राष्ट्र के कलंक डंक बिच्छू सवार करें, जातिवादी धार करें, कहें राष्ट्रवादी हैं। अम्बेडकर विचार सोई कार संविधान कहाँ, करते बहिष्कार देखो यार मनुवादी हैं। अब मनु के विधान से भी अच्छा संविधान लिखा, शोषितों को हक दिए बाबा बुद्धिवादी हैं। अगर इतना ही विद्वान थे तो ये देश गुलाम क्यों हजारों साल रहा? राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे भाई, हमने तो नहीं देखे। 2002 में मायावती को लाल कृष्ण आडवाणी और वो क्या थे अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात में ले गए चुनाव प्रचार में, योग मोदी के चुनाव प्रचार में। मोदी से हमने कहा ना कि वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। बावन मिश्राम को जानते हैं ना, वो जो कह रहे वो गलत बोल रहे हैं, वो तो बीजेपी के एजेंट है। प्राचीन हथियारों से लड़ाई चली गई, कहारों की डोली तन्हाई चली गई, अब मिड डे मील अटल जो बच्चों को लुभाई, मिड डे मील अटल जो बच्चों को लुभाई, पकड़ो कटोरा हाथ में पढ़ाई चली। नमस्कार, मैं शिखा सिंह, अभी दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद हूँ। यहाँ पे बहुजन जो हैं वो एकत्रित हुए हैं ईवीएम के खिलाफ आंदोलन को लेकर कि ईवीएम बंद होना चाहिए, जाति जनगणना होना चाहिए, बैलेट पेपर आना चाहिए। सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत नहीं है? तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? सुनिए तो सही, दुश्मन का काम है दुश्मन ही करना, वो क्या, वो तो करेगा अपना काम, वो अपना मिशन चला रहा है। दुश्मन ही कर रहा है? अरे जो मनुवादी लोग हैं। कौन है मनुवादी? भारतीय जनता पार्टी, तो कह रहे हैं हम राम राज लाएंगे। अरे वो राम राज लाएंगे तो मोदी जी तो बहुजन है ना, वो तो ओबीसी हैं। किसने कहा? किसने कहा, वो खुद बोलते हैं हम ओबीसी माँ के बेटे हैं। बोलने से थोड़ी नहीं होता है, वो जाति कभी ओबीसी में थी नहीं, मुख्यमंत्री बनने के बाद उस जाति को ये ओबीसी में लेके आए। अच्छा। प्लानिंग के तहत। अच्छा। और क्या, प्लानिंग के तहत कोई जनरल से ओबीसी बन सकता है क्या? क्यों नहीं, अगर अरे अगर विधानसभा पास करेगी क्यों नहीं बनेगा? अच्छा। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे भाई, हमने तो नहीं देखे। सब झूठ बोल रहे हैं क्या? इतने बड़े बड़े पुस्तक लिखे हुए हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। पुस्तक तो और भी लिखी हुई है, ललित सिंह यादव ने भी पुस्तक लिखी है। अच्छा। वो गलत है क्या? पुस्तक की जान को तो पढ़ना ही नहीं आता था, वो पढ़े लिखे अनपढ़ गवार थे, वो कहाँ से पुस्तक लिखे। आजकल तो बहुजन बहुत पढ़ा लिखा है, काफी पढ़ा लिखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा लिखा है। और 24 में सत्ता तो नहीं आएगी इनकी, ये तो बात पक्की है। अच्छा, ये कैसे कह सकते हैं आप? उन्होंने राम मंदिर बनाया, उन्होंने मेट्रो चलवाया, उन्होंने बुलेट ट्रेन चलवाई, उन्होंने 80 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। भी मेट्रो बता दो, कहाँ चलवाई मेट्रो? वादा तो कर रहे थे ना वो। मेट्रो कहाँ चली है भाई, वो क्या बोलते हैं, ये सारी दिल्ली में मेट्रो का जो पूरा का पूरा नेटवर्क है वो सारा कांग्रेस का बनाया हुआ है, मतलब शीला दीक्षित का है, सब जानते हैं। मतलब आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ, सच्चा यार, सच बोलना, कांग्रेस को सपोर्ट कर देना है। है मेट्रो कब शुरू हुई है? उस समय ये नहीं थे ना सत्ता में, ना ये आपके क्या बोलते हैं आम आदमी पार्टी वाले थे। तो जो नेटवर्क बनाया है, बिछाया, प्लानिंग जो बनी है वो कांग्रेस के समय, मैं सपोर्टर की बात नहीं कर रहा। कांग्रेस के समय में बहुजन उस समय बहुत प्रोग्रेसिव थे, बहुत उत्थान कर रहे थे, और अभी बीजेपी की सरकार आई तो वो निचले स्तर पे जाने लगे। ना ना ना, बात ऐसे नहीं है। बात ये देखो कि बीजेपी सत्ता में आई कैसे है, यहाँ से सबकी समझ में आ जाएगी बात। माननीय काशीराम साहब ने 1993 में मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया था, मायावती को नहीं बनाया। और कोई एक भी फोटो ला के दिखा दे, चार बार मुख्यमंत्री बनी काशीराम के समय में, तीन बार बनी है, उनके मरने के बाद एक बार बनी है। एक भी शपथ ग्रहण समारोह में माननीय काशीराम साहब मौजूद हों, वो फोटो दिखा दे कोई लाके, वो है ही नहीं किसी के पास, क्योंकि काशीराम मौजूद ही नहीं थे। काशीराम ने मायावती को नहीं बनाया है, यही तो लफड़ा है, बीजेपी ने बनाया है। हाँ, और काशीराम ने तो ये कहा जो सहारा देगा मायावती वो इशारा भी करेगा, और इशारा किया। 2002 में मायावती को लाल कृष्ण आडवाणी और वो क्या थे अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात में ले गए चुनाव प्रचार में, योग मोदी के चुनाव प्रचार में, मायावती जी को। यस, ये तो रिकॉर्ड है। तो आप मायावती को कह रहे हो बीजेपी के साथ में? मैं क्या बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्ड में है भाई, मैं थोड़ी नहीं ले गया हूँ, तो मेरे ऊपर आप ये क्या बोले, मायावती बहुजनों की नेता है। मायावती जी प्रचार करने के लिए नरेंद्र क्या दामोदर दास मोदी का चुनाव प्रचार करने के लिए गुजरात गई है 2002 में। अभी जो आप वहाँ मुख्यमंत्री बने, वहाँ से उन्होंने एक प्रयोगशाला शुरू की।
अभी जो इतना बड़ा जो आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, ये बैलेट पेपर हटाने का, जाति जनगणना से, ये सब आपको मोदी जी से दिक्कत है, ये बहुजनों को आप उत्थान चेक करवाना चाह रहे हैं? मोदी से हमने कहा ना कि वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। तो आप आगे जो आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस पे, आगे आपकी क्या? बड़ा सिंपल मामला है, इसमें कहीं कोई ज्यादा भाषण वाली नहीं है। मैं अंडरग्राउंड काम कर रहा हूँ और रात और दिन लगा हुआ हूँ इसी काम पे, इसलिए मैं कम बोलता हूँ, मीडिया पे आता नहीं हूँ। और स्टेज पे भी आपने देखा होगा, बुलाया मैं नहीं गया हूँ, मेरा काम दूसरा है। क्योंकि हम लोग जो है मिशन के लिए जिंदा रहे हैं और मिशन के लिए काम। मिशन है अंदर से समाज को जोड़ना। समाज आपका जुड़ रहा है, आपको लग रहा है? समाज ऐसे थोड़ी नहीं जुड़ता है। कैसे जुड़ता है समाज? समाज अपने हिसाब से जुड़ रहा है, हम जोड़ रहे हैं, हमारी टीम जोड़ रही है, गांव गांव में जोड़ रही है, शहर में नहीं जुड़ेगा। शहर में तो आप देख रहे हैं उनका क्या हाल है, शहर में कुछ नहीं है। अभी हमने 26 तारीख को प्रोग्राम किया कपिल वस्तु में, सुनो 7,000 आदमी था गाँव देहात का, 35 गाँव के लोग आए। आप पहले एक बात बताइए, आप लोगों को तो सिर्फ दिक्कत ही दिक्कत है। एक तो आपको जाति जनगणना चाहिए, ईवीएम हटाना है। मान लीजिए कि आपकी जो जाति जनगणना सुनिश्चित हो गई, आपकी जाति जनगणना हो गई और आप लोग बोल रहे हैं ईवीएम में घोटाला हो रहा है, और उसके बावजूद ईवीएम में ही अगर आप ईवीएम में कोई घोटाला नहीं है ना? तो वामन मिश्राम को जानते हैं ना? वो जो कह रहे वो गलत बोल रहे हैं, वो तो बीजेपी के एजेंट है। वो बीजेपी के एजेंट, मैं प्रूव कर दूंगा। ये वो बीजेपी की एजेंट है क्या? मैडम सर कह रहे हैं प्रूफ कर देंगे तो फिर कुछ सोच के ना? मैं कह रहा हूँ बगैर तथ्यों के बात नहीं करता हूँ मैं, इसलिए मेरे साथ दिक्कत है लोगों को पूछने की, मेरे पास तथ्य है तब बोलता हूँ। वो बीजेपी की एजेंट होते तो वो सबके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इतना खिलाफ बोलते हैं किसी के, एकदम फतवा जारी हो जाता है कि गर्दन काट के लाओ, उसके खिलाफ क्यों ही फतवा जारी हो रहा है? बाबर भैसराव के खिलाफ बताओ ना, उनको जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा है बताओ ना। ईवीएम में देखिए आप लोग जानते नहीं है, ईवीएम को 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला ईवीएम से घोटाले होते हैं। हाँ? ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ईवीएम ने देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जब ईवीएम नहीं था तब भी बोला था, वो तो 1% होता है, एक नहीं 10% होता है। चलो 10% दोनों में 10% तो ठीक है। हाँ 90% ठीक है। यहाँ तो बोले नहीं ईवीएम में घोटाला। ना ना ना, ऐसा कुछ, ऐसा कोई आदेश नहीं है सुप्रीम कोर्ट का कि टोटल घोटाला है। अच्छा आप लोग ये बताइए, यहाँ जो यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? यहाँ तो हम सुनने आए हैं, हम तो देखने आए लोगों का क्या सोच है, अभी तक पीछे की कहानी दोहराई जा रही है। हमारा उद्देश्य अम्बेडकर मिशन को आगे बढ़ाने का है और कोई बात नहीं। अंबेडकर मिशन क्या है? अंबेडकर मिशन, अंबेडकर मिशन में समानता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता, अपने महापुरुषों के विचारों को जन जन में फैलाने। मोदी जी सबका साथ सबका विकास तो कर रहे हैं। कौन कहता विकास कर रहे हैं? मोदी जी सबका साथ सबका विकास नहीं कर रहे हैं, सबका साथ विकास सब, ये तो कहने की बातें हैं। तो कैसे होगा विकास? कौन आएगा, कौन प्रधानमंत्री होंगे जो विकास करेंगे? ऐसा है, प्रधानमंत्री तो आते जाते रहते हैं, कोई सरकार बराबर स्थायी नहीं रहने वाली है। समय बदलता है, समय महत्वपूर्ण होता है, मानव होता ना बलि हो समय बलवान, अब बेलन लूटी गोपिका बही तो पार्द बही बान, समझो समय की बात होती है। ये इनका समय हर समय नहीं रहेगा, हो सकता है मेरा भी समय आएगा कभी। मोदी जी बोले 2040 तक वही रहेंगे यहाँ गद्दी पे विराजमान, ये भविष्यवाणी नहीं है। कोई आज तक ऐसा कोई हुआ ही नहीं जिसने भविष्यवाणी जिसकी सफल हुई हो। अगर इतना ही विद्वान थे तो ये देश गुलाम क्यों हजारों साल रहा? ये कहने से कुछ नहीं होता है, समय बदलते देर नहीं लगती है, तो हम इस बात को नहीं मानते। समय बदलने का इंतजार करेंगे कि कुछ करेंगे खुद से? करेंगे, समय करते तो है, प्रयास हर आदमी करता अपना अपना, प्रयास हम भी कर रहे हैं अपना अपना। एक कविता में बोलना चाहता हूँ, हिंदू राष्ट्र पे आप क्या सोचते हैं ये बताइए? हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते हम, नहीं चाहते तो राष्ट्र के कलंक डंक बिच्छू सवार करें, जातिवादी धार करें, कहें राष्ट्रवादी हैं। अंबेडकर विचार सोई कार, संविधान कहाँ करते बहिष्कार, देखो यार मनुवादी हैं। अब मनु के विधान से भी अच्छा संविधान लिखा, शोषितों को हक दिए बाबा बुद्धिवादी हैं। और जल में जैसे छिपे मगर वैसे निडर बार करें, चाहू और आदम खोर घोर बेसर मिला दिए हैं।
स्वर्ग नरक भाग्य भगवान का दिखावे ज्ञान और धर्म के धुरंधर ठेकेदार उ नमादी हैं अब वेदों का बारूद से वजूद नष्ट किया जाए भीम की तालीम माने हम न ईश्वरवादी हैं। ईश्वर ये वेद बता जिसका न अता पता तेजंकर शूद्र बता की नहीं बर्बादी है। वही मनुस्मृति लाने की सारी योजना है हिंदू राष्ट्र के नाम से। जो हमारे दर्शक है उसको क्या बताना चाह रहे की मनुवादियों की जो ये चाल है मनुस्मृति लाने की सारी योजना है। अच्छा। लेकिन गरीब मनुस्मृति लाने की साजिश है। साजिश है किसकी साजिश है? साजिश महाकना आरएसएस की है। ये तो प्रधानमंत्री जो है आरएसएस के ही कैंडिडेट है। आरएसएस की पाठशाला से पढ़े हुए हैं। हाँ तो जो आरएसएस करेगा वही ये करेंगे ना। वो तो बहुजन है ना। वो कहने के लिए है भाई, बहुजन नहीं है वो कहने के लिए है। अगर बहुजन हैं, अगर वो वास्तव में पिछड़े होते तो पिछड़ों के अधिकारों को क्यों छीना जाता, पिछड़ों के आरक्षण पर क्यों डाका डाला। कहाँ है उन्होंने 10% सुदामा नाम से आरक्षण दे दिया, किसी ने विरोध किया? जब आरक्षण विरोध आरक्षण खतरनाक है तो उन्हें भी नहीं देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने दे दिया तो इसकी साजिश है। यानी 85% जहाँ 15% लोग शासन करने वाले उन्हें 10% आरक्षण, और जहाँ 85% लोग हैं उनका मात्र 50% आरक्षण है, कहाँ का न्याय है? जो बहुजन है वो पढ़े लिखे नहीं है, वो एकत्रित नहीं है, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो लिखना नहीं चाहते हैं, तो आप लोग मनुस्मृति में ही खुश रहिएगा। अब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ठीक। लेकिन प्रथम शिक्षा का मूल मंत्र को ही सरकारों ने जैसे बिल्कुल निरस्त कर सरकार जो शिक्षा है वो पंगु कर दी। कैसे? प्राचीन हथियारों से लड़ाई चली गई, प्राचीन हथियारों से लड़ाई चली गई, कहारों की डोली तन्हाई चली गई, और मिड डे मील अटल जो बच्चों को लुभाई, मिड डे मील अटल जो बच्चों को लुभाई, पकड़ो कटोरा हाथ में पढ़ाई चली गई। सबको जब से कटोरा थमा दिया हाथ में पढ़ाई, कोई प्राइमरी स्कूलों में कोई अच्छी पढ़ाई होती है? प्राइवेट स्कूल खुल गए जिनके बच्चे जो पढ़े जो धनाढ्य पूंजीपति लोग हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, और जो गरीब बेचारे हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। सरकारी दिल्ली सरकार की सरकारी स्कूल देखिए। अरे एक दिल्ली सरकार से काम नहीं चलेगा, पूरे भारत की बात करो ना। कहाँ से हैं? हम यूपी से हैं। सरकार ने किस प्रकार से शिक्षा को कमजोर किया कि सर्व शिक्षा अभियान में अब कोई फेल नहीं होगा, खाओ पियो मौज करो स्कूल जेल नहीं होगा, भरपेट शिक्षा भी नहीं, भरपेट भिक्षा भी नहीं, कैसे जलेगा दीपक जबकि दिया में तेल नहीं होगा। योगी जी जो हैं, योगी जी संत है, महात्मा है, वो हमेशा महिलाओं के लिए बच्चों के लिए अच्छा करते हैं। उन्होंने बोला है चीटिंग करने वालों को हम सजा देंगे। कुछ नहीं, योगी ढोंगी है। क्या है योगी? योगी ढोंगी है। अच्छा। समझे? योगी सबसे बड़ा ढोंगी है। ढोंग के द्वारा ही यानी 15% लोगों ने यहाँ पर 85% लोगों का कब्जा है, वो ब्रह्मचारी है। ऐसा है जो संत होगा वो जंगल में जाएगा ना, संत होगा वो तपस्या करेगा। तपस्या कर रहे ना वो? क्या तपस्या? जनता की भलाई कर रहे, वही तो तपस्या है। कहा है पीले वस्त्र वो खपे जिनमें ज्ञान आता, चहु दिशा भ्रमण करें उनको क्या प्रवाह, उनको क्या प्रवाह, जहाँ भी आसन लावे ज्ञान पिटारी खोल समाज में आदर पावे, कह प्रेमी कबीराए उन्हें ना जग में घाटा, ज्ञान रतन निज का पास काहे को मांगे आटा, कुटुम्ब कबीला पास की संपत्ति तज दई, अब तेली बैल समान तू रहा वही का वही, रहा वही का वही बनाया चेला बेटा, अब पीछे तज घरवार यहाँ कुटिया में लेटा, कह प्रेमी कबीराए मोहन से मन्ना रोका, अब साधु भेष बनाए काहे को देता धोखा, जब साधु है तो उसे कुटुंब कबीला तजी देता तो उसे आप योगी जी पे बहुत गलत आप बहुत गलत क्या जरूरत भाई, योगी जी पे बहुत गलत आरोप लगा रहे हैं, वो साधु के बीच में धोखा दे रहे हैं। हम कहते हैं कि जो जैसे साधु तो वो कहो संत रविदास भी थे, उन्होंने कोई राजपाट नहीं मांगा, किसी से राजपाट नहीं मांगा, ना राज सत्ता के लालसा की, उन्होंने सर्वजन हुकाय सर्वजन सुखाय की बात की। तो योगी जी के पास भी तो परिवार नहीं है, उनकी बेटी उनकी बहन तो ऐसे ही रोड पे चाय ऐसा नहीं है। वो आरएसएस का आरएसएस की पाठशाला से निकला हुआ है। आरएसएस की नीति है जो आरएसएस की पाठशाला से निकलता है, जो कट्टर हिंदुत्ववादी होता है उसी को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाने की बनाते हैं। क्या दिक्कत है? मुसलमान तो कट्टर है, मुसलमान बेटियों को फंसाते हैं। ऐसा नहीं, हिंदू तो अपने को ही सबसे ज्यादा नाशवान है।
हिंदू ने 85% लोगों को ही सबसे ज़्यादा सताया, कैसे हम हिंदू, जब हमें अगर कमरा लेना होता है तो जाति पूछते हैं तो भगा दिया जाता है कि अरे ये चमार है, एससी ओबीसी है, इसे कमरा नहीं देंगे। जब पानी की बात आती है, जैसे मेघवाल इंद्र कुमार जैसे को मार दिया जाता है, तो पहला नंबर हिंदू धर्म ही नहीं है, हिंदू धर्म ही नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कह चुका है, हिंदू धर्म ही नहीं है, तो जीवन जीने की पद्धति बताई गई है। धर्म का मतलब है अच्छे गुणों का धारण करना। 2024 में कौन होगा प्रधानमंत्री? हम झूठ की बात नहीं करते, हम ब्राह्मणों जैसी पंडिताई वाली बात नहीं करते हैं, जो हम भविष्यवाणी करते हैं। जैसे आप किसको समर्थन करेंगे? हम समर्थन जो बहुजन समाज किसको समर्थन करेगा? हम जो हमारे हित की बात करेगा उसके कौन करता है हित की बात? आप हम प्रधानमंत्री की ऊपर नहीं, बात यह है जब तक हमारे सांसद प्रधानमंत्री तो जब ही बनेगा जो जिसके सांसद ज्यादा होंगे, ऐसा थोड़ी हम अपने अपने क्षेत्र, हर आदमी अपने अपने क्षेत्र की बात करता है, अपना कैंडिडेट अगर हर आदमी समझ ले, हम अपने कैंडिडेट अच्छा हमारा उम्मीदवार होना चाहिए। ये बहुत बड़ा सवाल है कि 2024 में सरकार किसकी बनेगी। खैर अभी तो रामलीला मैदान में बहुजन जो समाज के लोग हैं वो एकत्रित हो रहे हैं और ये लोग जाति जनगणना चाहते हैं, बैलेट पेपर चाहते हैं, ईवीएम हटाओ अभियान चला रहे हैं, तो देखते हैं 2024 में क्या होता है।